गाइड है उनका नाम क्या है? तो क्या आप अपना नाम बताना चाहोगे? वीरों के वीर और जिसको देखने लग जाती है पूरे बंदर पे भी, जवा सिंह जाबा। ओहो, तो क्या करेंगे अभी? शाबाश, अभी थोड़ा आगे जाके। आगे क्यों? आगे नीचे खाई है? नीचे नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैहि। क्या है ले कबूल? सब्सक्राइब कीजिए जैगवार 2.0 चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी मैं इंडिया जा रहा हूँ, ठीक है, और इंडिया जाने के बाद में वहाँ की भी वीडियोस बनाऊंगा। तो भाई ये मेरी आई थिंक सबसे पहली वीडियो है या दूसरी वीडियो, क्योंकि मैं इससे पहले भी शूट कर चुका हूँ और जो मुझे पहले लगेगा वो मैं पहले डाल दूंगा, अपलोड करूंगा बोलने का मतलब। गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोग लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी दुबई जाते हो, कतर जाते हो, घूमने वाले कोई भी ऐसी कंट्री में जाते हो, लेकिन आपको इतना अच्छा व्यू कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा जो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इस जंजीरा किले का। तो जंजीरा किले की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बट हिस्ट्री का भी सीन ऐसा है कि गूगल पे कुछ सही है कुछ गलत है, और जिसके चलते हम लोग वो हिस्ट्री की बात हम लोग नहीं कर सकते। तो गाइस, आप लोग व्यू का मजा लो और हमारे इस खूबसूरत से गांव का मजा लो। शाम का ये मंजर है और हम लोग बहुत मेहनत करके इतने ऊपर आए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके हम लोग ऊपर आए, आप लोगों ने देखा होगा। और जो हमारे गाइड है काफ़ी ज़ईफ गाइड है, मतलब कम से कम इनकी एज अभी हो रही होगी पूरी 38 साल, लेकिन आप लोग हम तो गाइस, ये जो है हमारा बहुत पुराना इस गांव का गाइड है, एक टाइम को ये गोरखा भी रह चुका है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है, लेकिन इनकी जो बॉडी लैंग्वेज से आप लोगों को लगता नहीं होगा कि इतने बुरे इतने ज़हीफ है ये। और ये इनका दोस्त है उसी वक्त का जब ये अंग्रेज के ज़माने से लोहा लेने वाले लोग हैं। ये मेरा काफ़ी पुराना दोस्त है जो कि हमेशा मेरे साथ में रहता है। वो ज़माने में जब हम बैठा करते थे ना, जब से मेरे साथ में और आज भी देखिए कितना बुरा होके भी मेरे साथ में ऊपर आ गया है। लेकिन इनके चेहरे से आप लोगों को लगता है कि कितने जवान है, और इनकी जवानी का राज क्या है पता है? ये इस पहाड़ को हमेशा चढ़ते रहते हैं, चढ़ना उतरना इनका कंटिन्यू लगा रहता है, जिसकी वजह से ये लोगों के चेहरे पे आप लोग देख सकते हो क्या कशिश है। माशाल्लाह हम लोग अल्लाह और रखे बुरे नजर आते हैं। गाइस, आप लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा खूबसूरत व्यू आता है। गाइस, जरा दिखाएंगे क्या व्यू है। माशाल्लाह देख बाबा ने अभी बोला ना कि लाखों रुपए खर्चे कर दुबई और फॉरेन जाते लोग घूमने के लिए जाते हैं मेरे भाई साहब देखने। आज भी लोग यहाँ पर आते खर्चा कर जंजीरा किला देखने, लाखों लोग आके जाते। जब अभी तो जो है सीजन नहीं चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हम लोग भी शाम के वक्त ही बाहर निकल रहे, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि गाइस, ये हमारे यहाँ की जामा मस्जिद है और तालुके में आई थिंक सबसे बड़ी मस्जिद है। हाँ, तालुके में गाइस सबसे बड़ी मस्जिद है, क्योंकि बहुत पुराने लोग हैं, 1990 की इनकी पैदाइश है, तो इन लोगों को जो है पूरी मालूम है, तो अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेझिझक हम कुछ भी बोल सकते। तो बहुत ही पुरानी मस्जिद है। और खाना पहले वो भी खाना देखो क्या खा रहे हैं यार, वीडियो का तो कोई लिहाज नहीं है बाबा। मस्जिद का इतिहास बताता हूँ भाई, काले पत्थर से बनाई हुई मस्जिद है। काले पत्थर से बनाई हुई मस्जिद है और देखिए आज तक क्या माशाल्लाह चमक रही है। माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये राजपुरी गांव फुरुट जंजीरा राजपुरी, यहाँ पे आप लोग कभी आओ और इस मस्जिद में एक टाइम नमाज पढ़ के भी जाओ। लेकिन सब बराबर आपने बता दिया, लेकिन आपके साथ जो गाइड है उनका नाम क्या है दोनों गाइड का? हाँ, ये जो आपने बात की है ये सबसे दोनों हाँ ये सॉरी आपको सर, बट आप बहुत लेट पूछ रहे, तो गाइस हम इनका नाम इनसे ही जानेंगे कि इनका नाम क्या है, मुझे तो पता है। फिर भी वीरों के वीर और जिसको देखने लग जाती है पूरे बंदर पे भी, जवा सिंह जाबा। ओहो, तो गाइस ये हमारे थे जाबा शाह। तो अभी इनके साथ में हमारे जो है दूसरे टूरिस्ट, बहुत टाइम से इनके साथ में, बट ये कभी गाइड बनना नहीं चाहे, ये बोलते हैं मैं टूरिस्ट हूँ। तो भाई साहब, क्या आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम है ऋतु मार्दन ठंडे। ये क्या था? जो कि बहुत प्यारा नाम है, माशाल्लाह।
बहुत ही खूबसूरत धाम है। और तो गाइस ये जो हमारा दूसरा टूरिस्ट है ये काफी शांत मिजाज का है, ज्यादा बात नहीं करता है। पता नहीं नाम इस तरीके से क्यों बताया कि जैसे मैं इतना खतरनाक हूँ, लगता तो नहीं है बट क्या पता हो भी सकता है। जिस स्पीड से ये पहाड़ पे चढ़ा है सबसे पहले, और हमारे सीनियर गाइड जाबाज सर ये भी कुछ शांत मिजाज के है बट कभी कभार बोल लेते हैं क्योंकि थोड़े मजाकिया शौक भी रखते हैं ये उस तरीके से। तो क्या करेंगे अभी शाबाज सर? अभी थोड़ा आगे जाके शाम का सूरज भी ढलने के लिए आया हुआ है। तो गाइस यहाँ का थोड़ा सा हम लोग व्यू कैप्चर करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि इस जगह बालाराज जी के पीछे क्या है, यहाँ की जगह कैसी है। तो चलो थोड़ा सा घूमते हैं। बहुत ही पुरानी दरगाह है हमारी, चप्पल निकाल के आगे के साथ में हमें अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह या कबूल। आप लोग देख सकते हो दीवारों की हालत भी माशाल्लाह, 100 साल पहले बनाई गई दीवारें, अभी अगर 10 साल करण अर्जुन में देखा होगा आप लोगों ने माशाल्लाह पुराना। वैसे कुछ यहाँ पे अभी शॉर्ट होने वाला है यहाँ पे, मतलब मैं बोलूंगा